पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दा सिलेबस पेपर 3 सेमेस्टर 1 पहला है पेपर तीजा नाम है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी वांग दे इक्वली इंपॉर्टेंट क्योंकि बीएड करके बनना की है करना की है पहला काम की होएगा टीचिंग टीचिंग की है जिहड़ी मैक्सिमम लर्निंग कर दे सो इस प्रोसेस नू समझण लिए पेपर है 70 मार्क्स है एक्सटर्नल और 30 मार्क्स इंटरनल है टोटल 100 मार्क्स है ये लिखा हुआ ब्लर विच है माफ़ी मंगता हाँ नैक्सट थोड़े आउटकम जी ओबजैक्टिवस हो दसे हुए हैं लेकिन असी मेन जो है कंटेंट क्वेश्चन थोड़े कि आने हैं वो डिस्कस करा सैक्शन ए दे विच है टीचिंग टीचिंग होएगा ही होएगा टीचिंग का की है नंबर एक कंसैप्ट ए नाल नेचर सो कंसैप्ट एंड नेचर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का ए बनता है दूसरा है कंसैप्ट एंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग तीसरा है कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग चौथा है कंसेप्ट एंड मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग पंजवा है कंसेप्ट्स एंड लर्निंग कंसेप्ट प्रोसेस अच्छा नहीं ये नहीं मिलता सो टीचिंग का कंसेप्ट यदि नेचर इतने क्वेश्चन आ सकता है करैक्टरिस्टिक्स से और प्रिंसिपल्स से मैक्सिम्स से इस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैक्सिम्स से प्रिंसिपल्स मैक्सिम्स का इन्ने यूनिवर्सली अप्रूव्ड है कि ईजी टू डिफिकल्ट मूव करना है ये मैक्सिम्स है ना दूसरा है कि कंक्रीट टू अबस्ट्रैक्ट जिमें पियाजे की थ्यूरी कंक्रीट जिमें सानू सेंसेस ना बच्चे नू देख के तो छोटे होंदे वेख्या होना मोतियां नाल सानू दस्से जांदे एक दो तीन तो अज तुहानू पुछया जावे तीन किन्ने होंदे आ तीन जमा तीन किन्ने होंदे आ तुहानू तीन तीन मोती नहीं रखने पैंदे उस तरह है इस तरह मैक्सिम ने लोकल टू ग्लोबल पहला नेड़े वाला बच्चे नू समझाओ दूर वाला बाद विच समझाओ इस तरह दीआं गल्लां हैं ईजी ने ये थोड़ा नाल रिलेटड है लेकिन वक्खरा है लर्निंग की है लर्निंग का कंसैप्ट की है लर्निंग की प्रोसैस की है 10 मार्क्स के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं है ना फिर रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिहड़ा क्वेश्चन बन रहा है रिलेशनशिप का की है नैचुरली टीचिंग वैसे हुंदी की है कोई भी टीचर का बिहेवियर मान लो टीचर है ना हाँ टीचर टाइम सिर आ रहा है बिल्कुल टाइम सिर क्लास में आ रहा है लर्नर ने ये देख लिया कि यार टाइम सिर आना चाहिए इसने लर्न कर लिया पर उसने कदे बोल के नहीं किया तो उदा ये बिहेवियर भी टीचिंग है मतलब ये मॉडल बन गया मान लो ये टीचर किसी होर टीचर की कदे निंदा नहीं करता ये बच्चों ने ऑब्जर्व किया ये भी टीचिंग है सो टीचिंग नू सिर्फ ये नहीं समझ लेना कि जिहड़ा कंटेंट है बुक दी के फॉर नॉलेज है वो बच्चों तक पहुँचाउणी टीचिंग है ना वो तो है ही है लेकिन कोई भी अजिही चीज़ जिस तो बच्चा लर्न कर रहा है वो टीचर है और स्कूल ऑफ लर्निंग है वेरी इंपॉर्टेंट बिहेवियरिज्म है ना जिसनों असी लर्न करांगे जिसकी डेफिनेशन है स्टिमुलस एंड रिस्पोंस दी एसोसिएशन लर्निंग हुंदी है जो इन्हां नूं बिहेवियरिज्म नूं पुछा जावे कि जिहड़ा है जिहड़ी लर्निंग दा मतलब की है वह कहिंदे जिहड़ा स्टिमुलस कोई प्रोवाइड किया मान लो बैल होई बच्चे क्लास चो भज गए मान लो टीचर एंटर होया वो स्टिमुलस है और बच्चे खड़े हो गए है ना सो खड़े होना उन्होंने देख के ये लर्निंग है इस तरह एक्सप्लेन करते हैं बड़ी ईजीली कोगनेटिविज़म ये कहते हैं एक्सटर्नल रिस्पोंस से फोकस करते हैं बिहेवियरिज्म एक्सटर्नल बिहेवियर से जो दिखाई देता है कोगनेटिविज़म कहता है कि नहीं जिहड़ा लर्निंग है वह माइंड के विच है जिहड़ी दिखाई नहीं दिंदी ये जिथे मैं एरो बनाए है ये है ना ये अखा बना दें ये कन्न भी बना दी है थोड़ा सोहना लग जाए अच्छा सो कोगनेटिविज़म की है कि माइंड के विच जिहड़ी इनफोरमेशन प्रोसैस होंदी है थिंकिंग रीजनिंग नॉलेज से ज़्यादा जोर देंदे हैं कि इस तरह की होंदी है मतलब कि लर्निंग की कहिंदे हैं चेंज इन थिंकिंग प्रोसैस है ना चेंज इन नॉलेज स्टेट ये इसनों इस तरह कहेंगे सो कंस्ट्रक्टिविज़म बिल्कुल वक्री तरह कहते हैं कि जिहड़ा लर्नर है तीजा स्कूल है वेरी इंपॉर्टेंट टीईटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सो ये सिलेबस कि पाया है बिहेवियरिज्म कोगनेटिविज्म कंस्ट्रक्टिविज्म इन रिलेशन टू टीचर और इन रिलेशन टू लर्नर ठीक है बिहेवियरिज्म की कहेगा कि टीचर किदा का होना चाहिए है बिहेवियरिज्म की कहेगा कि लर्नर किस तरह का होना चाहिए है
है ना, बिहेवियरिज्म कहेगा कि टीचर किदां दा होना चाहिए है, टीचर नूं अच्छे अच्छे स्टिमुलस प्रेजेंट करने चाहिए है ना, तो लर्नर किदां दा होना चाहिए है कि पॉजिटिव रिस्पोंस उन्हें देने चाहिए है, राइट रिस्पोंस देने चाहिए, इस तरह दी गल्लां करनगे। कोग्नेटिविज्म कहेगा कि इहनूं थिंकिंग एक्सरसाइज देनी चाहिए है ना, इनफॉर्मेशन देनी चाहिए है टीचर नूं, तो लर्नर नूं इनफॉर्मेशन रिसीव करनी चाहिए है। कंस्ट्रक्टिविज्म की कहता है कि लर्नर नूं एक्टिव हो के खुद सैल्फ लर्न करना चाहिए है, जिहड़ी भी टैक्सट है जां कोई घटना घटदी है उहदे खुद मीनिंग बनाने हैं, खुद मीनिंग बनाने हैं, टीचर ते डिपेंड नहीं करना, खुद मीनिंग बनाने हैं। सो ए कंस्ट्रक्टिविज्म है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिहड़ा है, जिहड़ा फेवर है, वह कंस्ट्रक्टिविज्म है, क्योंकि सारा करिकुलम ये नैशनल करिकुलम ऑफ द जिहड़ा है टीचर एजुकेशन दूसरा सारा कंस्ट्रक्टिविज्म के आले दुआले ही घूमता है। सारे बिहेवियरिज्म कोग्नेटिविज्म की थोड़ी थोड़ी निंदा करी जाते हैं, पर इदा नहीं है, उन्हों का अपना आस्पैक्ट है, यदा अपना आस्पैक्ट है। टीचिंग फॉर अकैडमिक लर्निंग, हाई अकैडमिक लर्निंग है ना, हूँ क्लास वाली गल्ल सिलेबस जोड़ा है, ऑब्जेक्टिवस ये की होंगे, फ्लैक्सीबल एंड क्रिएटिव प्लैनिंग, बहुत अच्छी गल है, फ्लैक्सीबिलिटी लाइफ का नियम होना चाहिए है, तुम फ्लैक्सीबल हो गए तो मैंटल हालत अच्छी रहेगी। इस तरह जी है क्रिएटिव प्लैनिंग, लैसन प्लैनिंग है, वो किदा अच्छे अच्छे नवे नवे लैसन प्लैन करने हैं कि लर्निंग अच्छी हो जाए, यूजिंग टैक्सोनॉमीज, ओके, प्लैनिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्टिविस्ट परस्पैक्टिव, इसनों उड़ा लें क्योंकि ये ब्लर इन्ना है कि पता नहीं लगता, इदा छोटा किया मैं थोड़ा पढ़ने लिए, ये है टैक्सोनॉमी प्लैनिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्टिव परस्पैक्टिव, कंस्ट्रक्टिव परस्पैक्टिव जिहड़े कहिंदे सी एक्टिव बच्चा तो खुद लर्न करे है ना, टीचर से ज़्यादा डिपेंड ना करे, वो वाली गल जिद प्याजे ब्रूनर वेगोस्की पढ़ा, बड़ी इंट्रस्टिंग है। इंटीग्रेटेड एंड थीमैटिक प्लैनिंग, ये अगला है, इंटीग्रेटेड प्लैनिंग की होंगी है, थीमैटिक प्लैनिंग थीम बेस्ड प्लैनिंग, साढ़े की चल रहा है टॉपिक बेस्ड प्लैनिंग होंगी है, टॉपिक वन क्लास का टॉपिक टू है ना, जो तो तुसी थीम एक ले लेंदे हो, मान लो तुसी पोल्यूशन ले लिया, पोल्यूशन विच तुसी मैथ भी पढ़ा सकते हो नाल, और पोल्यूशन विच साइंस भी पढ़ा सकते हो है ना, पोल्यूशन विच पोलीटिकल साइंस भी पढ़ा सकते हो, अच्छा उहदे विच उहदी हिस्ट्री भी पढ़ा सकते हो, अच्छा उहदे विच तुसी सोशियोलॉजी भी पढ़ा सकते हो, ओके तुसी इकनोमिक्स भी पढ़ा सकते हो। सो थीमैटिक अप्रोच जिहड़ी ने वो इंटीग्रेटेड हो जाती है, ये रिलेटेड ने, ये सारिया कंस्ट्रक्टिविस्ट पॉइंट ऑफ व्यू तो बन दिया ने, ये लर्न करांगे। सैक्शन बी दे विच है, चार क्वेश्चन उच्चों ने, चार क्वेश्चन ये आएंगे, टीचिंग स्टाइल, लर्निंग स्टाइल तो तुसी सुनिया होएगा, टीचिंग स्टाइल, मीनिंग एंड कंसैप्ट, इंप्लीकेशन फॉर क्लासरूम टीचिंग, ये 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि केड़ा लर्निंग स्टाइल, लर्निंग स्टाइल्स डेफिनेशन कंसैप्ट इंप्लीकेशन फॉर क्लासरूम एनवायरमेंट, दो वड्डे क्वेश्चन सीधे बन रहे हैं। लर्निंग एनवायरमेंट विच ये नहीं है कि तुहाडे क्लासरूम विच बहुत अच्छे चार्ट लगे हुए हन, लर्निंग एनवायरमेंट इमोशनल भी है, एक बहुत अच्छा प्यारा टीचर आंदा है, तुहाडा जी करता है पढ़न नूं, गल्लां करन नूं, ओह एक्टिवेट करदा, मोटीवेट कर दिंदा है, लर्निंग एनवायरमेंट एक स्टिमुलस नाल ही लर्निंग एनवायरमेंट बदल जाता है, एक टीचर दे नाल जिहड़ा है वो ऑडियो विजुअल एड है, फिल्म दिखाता है, ब्लैकबोर्ड नूं यूज़ करता है, लर्निंग एनवायरमेंट बना लैंदा है ना, सो लर्निंग एनवायरमेंट बहुत प्रभावित करता है। दूसरा एक क्लासरूम है जिथे टीचर खुद भी बोर हो रहा है, पढ़ाने भी कुछ नहीं है, जीव नहीं कर, लर्निंग एनवायरमेंट डेड हो गया। सो गुड लर्निंग एनवायरमेंट अच्छे टीचर ने किदा करना है, इसकी गल करांगे। मीनिंग नीड फॉर ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर प्लैनिंग स्पेस फॉर लर्निंग, सो लर्निंग एनवायरमेंट के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन 1, 2, 3 ये बनते वड्डे। टीचिंग एंड लर्निंग अबाउट कोगनेटिव प्रोसैस, ये क्वेश्चन सीधा इस तरह आ सकता है, टीचिंग एंड लर्निंग अबाउट कोगनेटिव प्रोसैस, टीचिंग कंसैप्ट थ्रू डिस्कवरी, ये कुछ नहीं है, कंस्ट्रक्टिविस्ट जिहड़ी अप्रोच है वो ही आ रही है। डिस्कवरी का मतलब वैसे डिस्कवरी लर्निंग हुण इत्थे लिखदे हाँ, जो ब्रूनर अमेरिकन एजुकेशनिस्ट सीगे, ब्रूनर डबल एन पा लैना, उन्हां दी अप्रोच है डिस्कवरी लर्निंग। सो उसने डिस्कवरी कादी करनी है,
खुद मीनिंग लभने हैं, बेशक एक टैक्सट है, बेशक लेबॉरटरी विच एक्सपैरिमेंट कर रहे हैं, रिलेशनशिप एक एसिड का दूसरे एसिड ना देख रहे हैं, बेशक प्ले ग्राउंड च खेड रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि मैं किस तरह जिहड़ा फुटबॉल का गोल है वधिया कर सकता हाँ। डिस्कवरी है, छोटिया छोटिया डिस्कवरी जिहड़ियां तुसीं खुद करनिया हुंदियां हन। एक्सपोजिशन है ना, एंड डाइवर्स एंड इन डाइवर्स क्लासरूम, डाइवर्स क्लासरूम विच बच्चे जिहड़े डाइवर्स डिफरेंट नीड्स वाले बच्चे है उन्हां दी गल करांगे। सो ये तुहाडा सिलेबस है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा औखा भी है, लेकिन इहनूं सौखा बनाउण दी पूरी कोशिश करांगे। एक्टिविटीज़ कीड़ियां ने, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग राइटिंग बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी थ्री लैसनज ईच ऑफ टू सबजैक्ट। फॉर एग्जाम्पल तुहाडा एक सबजैक्ट पंजाबी है, दूसरा सबजैक्ट SST है, है ना। सो ये एक लैसन लैना है पंजाबी का, फॉर एग्जाम्पल शहीद भगत सिंह लै लिया, तुम उसके ऑबजैक्टिव बनाने हैं 5-6 ऑबजैक्टिव, बिहेवियरल ऑबजैक्टिव। बिहेवियरल ऑबजैक्टिव ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी के आधार पर बनाई दे, वेरी ईजी मैं बना लगा। मेरे ये लेख पढ़ाने तो बाद बच्चे भगत सिंह की सब तो इंपॉर्टेंट घटना का विवरण कर पाएंगे। हुण विवरण शब्द जिहड़ा है डिस्क्राइब शब्द है, मैं कहना है कि बच्चे मेरे इस लैसन पढ़ाने तो बाद फंडामेंटल ड्यूटी है ना, जो ये टॉपिक है उसकी परिभाषा कर पाएंगे। बच्चे इस टॉपिक तो बाद नाम, पंजाबी का टॉपिक है, नाम दिया उदाहरण की सूची तैयार कर सकेंगे। इन्नी गल है, कोई घबराना नहीं है। SST दे भी इस तरह दूसरा इस तुहाडी एक्टिविटी होएगी, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव इस तरह बनाने। एक टॉपिक चूज करना है, उसके टॉपिक के 3-4 आस्पेक्ट ले लेने ने, उन्होंने तुसी किस तरह मैयर करना है, एक एक शब्द इदा का लभ लेना है, जिदा विवरण, सूची बनाना, परिभाषित करना, ये वाली गल्लां। नैक्सट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टीचिंग स्टाइल, ये लभने हैं टीचर्स के विच कि उहदा किहड़ा किहड़ा स्टाइल है। एनालिसिस ऑफ क्लासरूम एनवायरमेंट ऑफ ए क्लास, किसी क्लास में जाके देखना है कि उसका क्लासरूम एनवायरमेंट किस तरह का है। सो ये बुक्स ने मेरे ख्याल कदे भी नहीं, किसी ने भी नहीं पढ़नी इन चो। ये है JS वालिया, हाँ ये पढ़ पढ़ लेंगे हो। शर्मा है कुछ एक जड़िया सीधिया तुहाडे क्वेश्चन के आंसर दिंदिया हैं, पर असी नाल क्वेश्चन कर लेंगे कि क्वेश्चन किहड़ा है। पेपर तुहाडा आया है टीचिंग लर्निंग प्रोसैस का, समेस्टर 1 का, 3 घंटे का है, 70 जिहड़े है मार्क्स ने ये। सो दो सैक्शन विचों हैं, दो क्वेश्चन करने हैं, तीजा सैक्शन कंपलसरी है। पहला क्वेश्चन आया पिछले साल, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। एक्सप्लेन वेरियस मैगजीम्स ऑफ टीचिंग, इलूस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ रेलिवेंट एग्जाम्पल। हूँ डिस्कस की ईजी टू डिफिकल्ट, कंक्रीट टू एबस्ट्रैक्ट, है ना। एक्सप्लेन द कंसैप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म इन रिलेशन टू टीचर, ये अवॉइड करना है, लेकिन आप इनू भी ईजी बहुत ईजी कर लेंगे। एक्सप्लेन द इंटीग्रेटेड एंड थीमैटिक प्लानिंग ऑफ टीचिंग फॉर अकैडमिक लर्निंग, जो सिलेबस है उस तरह ही रख दिता गया है, कोई औखा नहीं है। सैक्शन बी के 4 क्वेश्चन, उन्होंने 2 करने हैं। डिस्कस द इंप्लीकेशन ऑफ टीचिंग स्टाइल्स फॉर क्लासरूम टीचिंग, है ना। एक्सप्लेन द नीड एंड ऑर्गनाइजेशन ऑफ लर्निंग एनवायरमेंट, कुछ भी औखा नहीं है, जो उत्ते लिखा है उस तरह ही है। डिस्कस द एक्सपोजिशन मैथड टू टीच कंसैप्ट, डिस्कस द वेज टू टीच कंसैप्ट इन डाइवर्स क्लासरूम। मेरे ख्याल पता नहीं हम की कहां, वेरी ईजी है। सो तीजा सैक्शन जिहड़ा वो दो जिहड़े यूनिट सी उन्हां दे विच्चों आएगा, 4 क्वेश्चन एक, 5 क्वेश्चन एक चो, 5 क्वेश्चन एक चो पाए होंगे। सो नोट ही लिखण नूं कहिंदे ने, सब तो सौखा काम हुंदा है। नेचर ऑफ टीचिंग, दूसरा है जनरल प्रिंसीपल्स ऑफ टीचिंग, तीसरा कोगनेटिविज़म। ये रोंग वे है क्वेश्चन पूछण दे, कदे भी इदां नहीं पुछीदा। जो असीं पढ़ाने क्वालिटी ऑफ गुड क्वेश्चन, ये सब तो पुअर विच आंदे ने। सो देखो BEd दे विच जिन्हां च अच्छे टीचर बनाने आ, उन्हां विच पेपर सैटर खुद नहीं जानदा कि पेपर क्वेश्चन किदां पाईदा है। फ्लैक्सीबल प्लैनिंग ऑफ टीचिंग, ये थोड़ा बैटर है, कदे नोट नहीं पाईदा, क्वेश्चन पुछीदा है पूरा। बिहेवियरिज्म इन रिलेशन टू लर्नर, इंटीग्रेटेड प्लैनिंग, मीनिंग ऑफ लर्निंग स्टाइल, मीनिंग ऑफ लर्निंग एनवायरमेंट, प्रोसैस ऑफ प्लैनिंग स्पेस फॉर लर्निंग, इंप्लीकेशंस ऑफ लर्निंग स्टाइल इन क्लासरूम। मेरे ख्याल सिर्फ एक क्वेश्चन लगा होगा, थोड़ा औखा, बाकी सारे ही सौखे क्वेश्चन ने। सो इस पंजाबी यूनिवर्सिटी का टीचिंग लर्निंग प्रोसैस का
पेपर इस दे आंसर नाल नाल करने शुरू करते हाँ। कोई क्वेश्चन है इस रिगार्डिंग पूछ सकते हो, नैक्सट द पेपर की भी गल करते हैं। थैंक यू।